आज हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। यह पुरुषों में यौन शक्ति को बढ़ाता है। यह हार्मोन मांसपेशियों को बनाए रखने और लाल रक्त कोशिकाओं के स्तर को बनाए रखने और यौन कार्यों के लिए फायदेमंद है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 30 साल की उम्र के बाद शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है। इसके कम होने की कई वजह होती हैं। कम होने की वजहों में चोट, संक्रमण, मधुमेह, पुराने लीवर की बीमारी, गुर्दे का रोग, कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट, अनुवांशिक कारण, लौह तत्व की अधिक मात्रा, बलगम से जुड़े रोग, सूजन जैसी बीमारी जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करती है, तनाव, शराब, मोटापा, कुछ दवाओं का असर और शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। यह पुरुष के अंडकोश से निकलता है। यह लिंग को परिभाषित करता है। यह महिलाओं में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, जितना पुरुष के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर सुबह बहुत ज्यादा होता है और शाम को कम हो जाता है। शरीर में टेस्टोस्टेरोन की जांच के लिए खून की जांच करवानी जरूरी है। इसके लिए दिन में खून की 3 बार नमूने लेने से सही टेस्टोस्टेरोन की मात्रा का पता चलता है। पहला नमूना सुबह, दूसरा दिन में और तीसरा शाम को खून के नमूने लेने चाहिए। इस तरह इन तीनों का औसत लेने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन की सही मात्रा का पता चलता है। इस जांच को करने के लिए कुशल लैब टेक्नीशियन की जरूरत होती है। इस जरूरत को पिछले 22 वर्षों से दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DPMI प्रशिक्षण देकर पूरा कर रहा है। इच्छुक विद्यार्थी इस कोर्स को करने के लिए DPMI में प्रवेश ले। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।